हेलो एवरीवन, स्ट्रीम 160 आर की कुछ इस तरीके से अपने को की मिलती है। एक साइड अपना हीरो का नया वाला लोगो मिल जाता है, दूसरी साइड हीरो लिखा हुआ मिल जाता है। और ये है अपना एक्सट्रीम 160 आर, जिसका एक ग्रे कलर है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं इसको। अब जैसे इसकी डायमेंशन वगैरह आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। बाकी जैसे अपन बाइक की तरफ चलते हैं, तो बाइक में जैसे अपन फ्रंट से शुरू करते हैं, तो फ्रंट में अपने को कुछ इस तरीके से लुक मिल जाती है। यहाँ अपने को फ्रंट में एलईडी सेटअप मिलता है प्रॉपर। ये कुछ इसके साइड में डीआरएल रह जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे दो, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। अब जैसे ये इसकी मेन लाइट है, जो ये अपनी प्रॉपर एलईडी सेटअप में रहेगी, काफ़ी ज़्यादा नाइट में विजिबिलिटी रहती है। वहीं जैसे अपन इसकी साइड इंडिकेटर देखें, अब साइड इंडिकेटर अपने कुछ इस तरीके से रहते हैं, ये भी अपने एलईडी में रहते हैं और इसके साथ हेजार्ड फंक्शन आता है। अब जैसे इसमें अपन आगे देखें, तो लाइट तो अपन ने देख ली, लाइट कुछ इस तरीके से मिल जाती है। यहाँ अपना लाइसेंस प्लेट मिल जाती है, उसके नीचे अपने कुछ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं अपने को कुछ इस तरीके से। यहाँ अपने को ABS की बेजिंग मिल जाती है। इस वाली बाइक में अपने को सिंगल चैनल ABS मिलता है। ये अपना मडगार्ड इस तरीके से मिल जाता है, काफ़ी वाइड मडगार्ड है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का है मडगार्ड। की अपने को साइड में यहाँ कुछ एक्सटेंशन मिल जाते हैं इसके। बाकी सस्पेंशन पे अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। इस वाले में अपने को कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है और ये अपने ब्रेक कैलिपर कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। ये अपने डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर दोनों में अपने को डिस्क ब्रेक मिलेंगे। फ्रंट में अपने को ABS मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है ये। अब जैसे इसमें टायर देखें अपन, तो टायर में अपने को कुछ इस तरीके से टायर मिल जाते हैं, जो अपने ट्यूबलेस टायर रहेंगे और अलॉय व्हील काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर का मिलता है। टायर की साइज अपनी मिल जाती है 180x17 की। टायर काफ़ी अच्छा है, ट्यूबलेस टायर है, वाइड है। ये है इसकी कुछ फ्रंट। अब जैसे अपन इसको साइड से देखें, साइड में कुछ इस तरीके से ये दिखती है। यहाँ अपने को इसमें फ्यूल टैंक पे जो डिज़ाइन मिलती है, उसमें अपने को R लिखा हुआ मिल जाता है ये, और ये एक रेड डिज़ाइन मिल जाती है। 160 R की बेजिंग मिल जाती है यहाँ, जिसमें अपनी ये रेड डिज़ाइन मिल जाती है। इस जगह पे अपने को हीरो की बेजिंग और एक्सट्रीम की बेजिंग मिल जाती है। ये इसका ग्रे कलर है, ग्रे और ब्लैक का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनाया है। इसमें अपने को 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक के ऊपर अपने को कुछ एल्यूमिनियम की इस तरीके से कवरिंग मिल जाती है। और जैसे फ्यूल टैंक पे कनेक्ट की बेजिंग मिल जाती है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो और एक ही इसमें नया E20 वाला बेजिंग मिल जाती है यहाँ पे, ये नया वाला वर्जन है E20 वाला। अब जैसे इसमें इंजन देखे अपन, तो इंजन कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाता है। यहाँ ब्रॉन्ज कलर की इसमें डिज़ाइन मिल जाती है और खड़ा हुआ इंजन मिलता है अपने को। यहाँ ये इंजन अपने को एयर कूल्ड मिल जाता है। यहाँ अपने को कुछ एयर कूलिंग के लिए ये छोटा सा लगा रखा है। ये अपना एग्जॉस्ट हो जाता है और यहाँ अपना कैथलेटिक कन्वर्टर हो जाता है प्रॉपर। यहाँ भी अपने को 4V की 4 वेल्व की बेजिंग मिल जाती है। यहाँ इंजन पे अपने को हीरो का लोगो मिल जाता है। अब जैसे इसके साइड में अपन यहाँ देखें, तो ये जैसे फ्यूल टैंक की पूरी डिज़ाइन एक है। यहाँ अपने को स्पोर्टी लुक दिया हुआ है कुछ इसमें। यहाँ अपने को FI की बेजिंग मिल जाती है कुछ, प्रोग्राम्ड FI। अब उसके नीचे अपन देखें, तो यहाँ अपने को फुटपेग और ब्रेक लीवर मिल जाता है। फुटपेग अपना काफ़ी अच्छा मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी का। साथ में ये अपना ब्रेक लीवर जो अपना प्रॉपर एल्यूमिनियम का रहेगा। यहाँ अपने को हीरो की बेजिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर की यहाँ डिज़ाइन मिल जाती है कुछ, पियानो ब्लैक डिज़ाइन मिल जाती है। यहाँ मैंने बताई थी सिल्वर डिज़ाइन मिल जाती है, पूरा एक ही कंसोल है ये अपना। ये पीछे वाला अपना फुटपेग रहेगा, जो अपना एल्यूमिनियम के साथ रहेगा प्रीमियम क्वालिटी के साथ। ये अपना एग्जॉस्ट रहेगा, साउंड वगैरह मैं सुना देता हूँ आपको एग्जॉस्ट का। ये कुछ इसका साउंड है। एग्जॉस्ट साउंड भी काफी अच्छा है इसका। अब जैसे अपन इसके रियर व्हील पे चलते हैं, तो पीछे वाला व्हील अपने को कुछ इस तरीके से मिलता है। पीछे वाला व्हील काफी वाइड मिलता है, मतलब इतनी ज्यादा चौड़ाई मिलती पीछे। और जैसे पीछे भी अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाता है, यहाँ अपने को ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, ये अपनी चेसी मिल जाती है। और जैसे पीछे वाले टायर की साइज बता देता हूँ, पीछे वाला टायर अपने को मिलता है 130x70 R17 की रिम मिल जाती है। C8 के टायर मिलते हैं अपने को फ्रंट और पीछे, काफ़ी बढ़िया टायर है अपने, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। टायर की ग्रिप वगैरह मेरे को अच्छी लगती है।
इसमें अपने को कुछ इस तरीके से स्पेसिंग मिल जाएगी खाली। पीछे के लिए अपने को यहाँ सिलेंडर मिल जाता है ब्रेक के लिए, ये कुछ अपने को बेक मिल जाती है, बेक अपनी इस तरीके से मिलती है। पीछे की जो लाइट है वो भी अपनी प्रॉपर एलईडी के साथ रहेगी, और ये नाइट में चलने पर काफ़ी बढ़िया लगती है। पीछे अपने को यहाँ ग्रे रेल्स मिल जाते हैं जो अपने एल्यूमिनियम के मिलेंगे, ब्लैक कलर के हैं, काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे हैं। पीछे की तरफ ये अपना मड गार्ड हो जाता है, यहाँ हीरो की बेजिंग मिल जाती है, यहाँ कुछ हीरो की बेजिंग मिल जाती है, ये अपना रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये अपने टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो एलईडी में रहेंगे, बाकी यहाँ लाइसेंस प्लेट वगैरह रह जाती है। अब जैसे अपन दूसरी साइड चले, तो इस दूसरी साइड में अपने को कुछ यहाँ साइड गार्ड मिल जाता है, चेन कवर नहीं मिलता है इसमें अपने को, चेन कवर अपना ये कुछ इस तरीके से रहेगी, ओपन चेन ही रहेगी। यहाँ एक फाइबर का कवर मिल जाता है जो हल्का सा ऊपर से चेन को कवर करता है, साथ ही अपना टायर को भी, टायर हगर की तरह भी काम करता है। पीछे की तरफ जो अपने को सस्पेंशन मिलेगा वो सिंगल मिलेगा, यहाँ कुछ अपने को टायर और व्हीकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें अपने को साइड स्टैंड मिल जाता है और मेन स्टैंड मिल जाता है। इसमें जैसे अब गियर लीवर की बात करें अपन, ये अपना सिंगल गियर लीवर मिलता है, ये इसकी कुछ इस तरीके से साइड, तो ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुल्ली डिजिटल अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है अपने को। यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है अपना, यहाँ अपना आरपीएम दिखा देता है, इसमें 1000 आरपीएम इंटू बता रहा है, यहाँ अपना गियर पोजिशन बता देगा, यहाँ अपनी स्पीड बता देगा, यहाँ एक क्लॉक मिल जाती है, ये अपना फ्यूल टैंक की कैपेसिटी का बता देता है, यहाँ अपना फ्यूल इंडक्शन बता देता है, ये अपनी कितनी किलोमीटर अपन ने चलाई है वह डिस्टेंस वगैरह बता देती है, और यहाँ कुछ इंजन चेक का ऑप्शन, पेट्रोल न्यूट्रल एबीएस का ऑप्शन बता देता है, और यहीं अपने लाइट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो ये इसका सेंट्रल कंसोल था। अब अपन चलते हैं इसके दूसरी तरफ, जैसे ये इसका बार हैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा अपने को, ब्लैक आउट बार हैंडल मिलेगा, काफ़ी चौड़ा मिलता है, तो इससे जैसे बैठने में और अपनी सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब अपन दूसरी तरफ देखें तो ये कुछ इसके ORVM मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे ORVM है दोनों साइड। इस साइड अपना ये मास्टर सिलेंडर हो जाता है, यहीं अपना किल इंजन किल स्विच वगैरह मिल जाता है, और ये हेजार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ अपने को एक SOS का बटन मिल जाता है, दूसरी साइड अपना लाइट का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पास स्विच का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये अपना टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये हॉर्न के कंट्रोल मिल चार्जिंग जाते पोर्ट हैं, मिल जाता है इस जगह पे अपने को, बाकी ये इसका फ्यूल टैंक हो जाता है। अब बात करें अपन इसके सीट की, ये कुछ इस तरीके से अपने को सीट मिलती है, बाकी अब अपन इसके सीट ओपन करके देखते हैं, यहाँ की लगा के अपन सीट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ये इस तरीके से अपन सीट ओपन करके यहाँ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह रख सकते हैं, यहाँ कोई पानी जाने की नहीं रहती है, यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं, टूल बॉक्स वगैरह भी यहीं है, बाकी सीट को वापस क्लोज कर देते हैं अब अपन। अब अपन बाइक की कुछ प्राइस वगैरह की बात कर ले, तो प्राइस मैंने आपके डिस्प्ले पे डाल दी है तो वो आप देख लेना। बाकी जैसे इस बाइक के ओवरऑल अपन लुक्स वगैरह की बात करें, तो लुक्स में बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें जैसे माइलेज वगैरह सब मैंने आपके डिस्प्ले पे डाल दिया है तो आप देख लेना। बाकी कुछ इस तरीके से था एक्सट्रीम का वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताइएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू।